भाई साहब हमारे मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। श्री बागेश्वर धाम में, इस पावन धरा में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम में, और हमारे मित्र लोग कुछ इस तरीके से चल रहे हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, सुबह दीप दरबार लगाने के लिए रात से ही कुछ उसी दरबार में सोना पड़ता है, और दीप दरबार के लिए रात से ही इंतज़ार हो रहा है बाबा जी का। लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबा जी कब आएँ, कब उनके दर्शन हों। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मंदिर पे, यहाँ का माहौल कुछ इस तरीके से है। हाँ जी, बताओ कौन सा प्रसाद चाहिए आपको, कितने वाला चाहिए, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास में। गाइस, सुबह की आरती चालू है और यहाँ पे सब लोग इंतजार कर रहे हैं कब परिक्रमा चालू करें, और आरती के समय भी रुके हुए हैं, सब लोग आरती कर रहे हैं यहाँ पर अभी। दोस्तों, भी हो रही है आरती, इस तरीके से भीड़ लगी हुई है। जय श्री राम, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, बालाजी सरकार की। परिक्रमा मार्ग में हमारी गौ माता विराजमान है। दोस्तों, आरती का छींटा दिया जा रहा है। दोस्तों, आज भीड़ बहुत जबरदस्त है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये क्या भी खचाखच भरा हुआ है, जिगजैग कैसे। आ जाओ जी, अरविंद जी आ जाओ, पीछे मत चले जाना। हाय हाय, कितना भीड़ है गाइस। दोस्तों, हम लोग लाइन में लग चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, बहुत जबरदस्त लाइन है आज, लग रहा है कि क्या बात है। आज लग रहा है हम लोगों को लगेगा 2 घंटा तो लग ही जाएगा ना। कितना घंटा लग जाएगा आज है? और सब लोग कहाँ है, रमेश भाई कहाँ है? जय, देखिए वहीं से भीड़ लगा हुआ है। ये क्या बात, बहुत जबरदस्त भीड़ है। हाल लगेगा प्रसाद चढ़ाने में। ओ, महादेव। हर हर महादेव, जय हो, जय हो, जय। दोस्तों, हमारे बिछड़े हुए भाई साहब रमेश भाई मिल चुके हैं, ये हमसे आगे निकल गए थे। भाई सब लोग यहाँ से घुसे थे, और देखिए कितना जबरदस्त। पिछड़े हुए हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। साथियों, आज मैं आया हूँ सिद्धपीठ श्री बागेश्वर तीर्थ, और यहाँ पर हमें भाई साहब मिले हैं जिनकी दुकान है, इनका नाम है साजन पाल, और यहाँ पे ये बताएंगे कि येलो कलर में जो नारियल बांधा हुआ है वो किस कौन सी मन्नत के लिए है, और ब्लैक कलर में जो नारियल बांधा हुआ वो किस लिए है, और जो रेड कलर में बांधा हुआ है नारियल वो किस कलर के लिए। तो हाँ जी साजन जी,
हाँ जी नमस्कार। ये लाल कपड़े में जो नारियल होता है वो तो मनोकामना इच्छा पूर्ति सुख शांति के लिए बनाया जाता है। पीला वाला होता है वो शादी के लिए बनाया जाता है, और जो काला वाला होता है वो प्रेत बाधा के लिए बनाया जाता है। ये तीन प्रकार के नारियल बांधे, और एक और होता है सफेद, वो संतान प्राप्ति के लिए नारियल बांधा जाता है। हमारी दुकान मंदिर के जस्ट सामने है, आप आए हमारे इधर से प्रसाद लें। आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। हाँ मोबाइल नंबर हमारा 7389218345। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर आइए, भाई साहब का नंबर भी दे दिया है और आप यहाँ पे इनसे मदद ले सकते हैं। और पूजा के बारे में विधि विधान से कैसे किया जाता है यहाँ पे, वो सारी चीज़ आप भाई साहब से जानकारी ले सकते हैं, नंबर वगैरह सब कुछ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों हम लोगों का पूजा पाठ हो चुका है, दर्शन हो चुके हैं और अब हम लोग खाएंगे चना। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए ये चना कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट, लाजवाब और डिलीशियस। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से ग्रीन चने हैं। राम दरबार के सामने आप जब भी आएँ यहाँ पे चने ज़रूर खाएं। बोलिए जी क्या कहना चाह रहे हो? हम कहाँ बोल पाएंगे उसमें? बोलो बोलो बोलो, सुनने वाले बोलेंगे। बोलिए जी बोलिए जल्दी। साथियों यही है दिब्ब दरबार हाल, यही है। साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस समय हूँ दिब्ब दरबार बागेश्वर धाम में, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हॉल के बाहर कुछ इस तरीके से हमारे भक्तगण खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, अर्जी वगैरह लगा दिए हैं कि दिब्ब दरबार में बाबा जी कितना जल्दी इनको बुलाते हैं, कितना इनके अंदर शक्ति है वेट करने का। तो बने रहिए आप हमारे इस ब्लॉग में, यहीं दिब्ब दरबार लगता है, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबा जी कब आएँ और कब मुझे बुलाएं। अभी धीरे धीरे भीड़ लग रही है गाइस, बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक है। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, व्यस्त भी रहना चाहिए क्योंकि काम। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे चाय पानी पी लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं, और पेमेंट हो रहा है, बस कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। कहाँ के लिए? बस अब जा रहे हैं, आराम करेंगे, उसके बाद में जाएंगे पहाड़ पे घूमने के लिए। दोस्तों कहाँ न्यायालय आ रही है,